Hello and good afternoon, everyone. Welcome in the class of business studies. So we were on chapter number 8 of your book, that is small business and entrepreneurship. I hope you are done with the chapter up to the topic, up to the part which we have already discussed in the class. Today we have to discuss the last portion of this chapter, that is the support offered by government to the small businesses. Before that, let me recall the topic which we have discussed in our previous class. In our last class, we have started our topic with the discussion on meaning of small business, the definition given by Industrial Development and Regulation Act 1951. According to this, any enterprise which employs not more than 50 persons, means employing more than maximum 50 persons when it is using power, and employs more maximum 100 persons when it is not using power, and its capital asset is not more than rupees 5 lakh, then this enterprise will be treated as small scale enterprise. कोई भी ऐसी enterprise जिसमें अगर electricity use हो रही है तो maximum 50 workers काम कर रहे हैं, electricity use नहीं हो रही है तो maximum 100 work कर रहे हैं, और इसकी capital assets 5 lakh से ज्यादा नहीं है, उसको हम small scale enterprise कहेंगे. अलग अलग year में इस definition में काफी changes आए, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे इसका हमने MSMED माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन पढ़ा था, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड सर्विस एंटरप्राइजेस का. मैन्युफैक्चरिंग जहाँ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सर्विसेज जहाँ पे केवल सर्विस दी जा रही है, इन दोनों में हमने ये डिटेल में डिस्कशन कर लिया था. एंड देन आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड द रोल ऑफ SSI इन रूरल इंडिया, राइट. नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट given by government to SSI. क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे टॉपिक नंबर 6.1 में, कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने बनाई स्पेशली टू सपोर्ट द इंडस्ट्रीज ऑफ रूरल एरियाज. तो द फर्स्ट वन इज NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन. ये गवर्नमेंट ने सेटअप करी टू हेल्प द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. कब सेटअप करी थी? 1955. यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन एज वेल एज फुल फॉर्म. नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, इट वॉज सेटअप इन 1955 विद द व्यू टू प्रमोट एंड फोस्टर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द कंट्री. हमारे नेशन में SSI की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए NSIC सेटअप हुआ था. क्या फोकस था NSIC का, देखिए. नंबर वन, इसके जितने भी पॉइंट्स आप पढ़ेंगे ना, ये सब आपको बताएंगे कि दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज सपोज्ड टू हेल्प द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं उन बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए NSIC बना. तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, इट्स मेन फोकस वाज ऑन नंबर वन टू सप्लाई लोकल एंड इम्पोर्टेड मशीन्स इन इजी इंस्टॉलमेंट. इजी इंस्टॉलमेंट्स में छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को जितनी भी जैसी भी मशीनों की जरूरत है वो मशीनरी अवेलेबल करवाई जाए. इंडिजीनियस वर्ड का मीनिंग है लोकल, और इम्पोर्टेड का मतलब है फॉरेन मार्केट से अगर आप कोई मशीन ला के देते हैं तो लोकल और इंडिजीनियस मशीनरी इनको अवेलेबल करवाई. इजी इंस्टॉलमेंट्स पे मशीन परचेज करना इनके लिए टफ ना रहे. नंबर टू, टू प्रिक्योर एंड सप्लाई इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल. बाहर के इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल खरीदना और फिर वो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल इनको प्रोवाइड करना NSIC का काम था. किसको प्रोवाइड करना? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को. नेक्स्ट देखिए, इनका नेक्स्ट रोल क्या था? टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ SSI. SSI ने जो गुड्स बनाए उन गुड्स को फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट करना, ये भी किसका काम था? SSI का काम था, कि सॉरी NSIC का काम था. जो प्रोडक्ट ये बना रहे हैं स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, उन SSI के प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट कर देना, क्योंकि स्मॉल स्केल एंटरप्रीनियर्स की खुद की इतनी रीच नहीं थी कि वो अपने लेवल पे कर पाए, राइट. तो ऐसे में उसके एक्सपोर्टिंग का काम भी NSIC ने किया. नेक्स्ट, टू प्रोवाइड एडवाइजरी एंड मेंटरिंग सर्विसेज. छोटे लेवल पे मैं बिजनेस कर रही हूँ, मुझे अभी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है कि मार्केट में क्या कैसे चल रहा है, तो इस सिचुएशन में मुझे एडवाइस देने के लिए NSIC सेटअप हुआ. मुझे मेंटर करने के लिए मेरा मेंटर बनके मुझे मॉनिटर करेंगे, प्लस जहां जहां मुझे जो जो जरूरत होगी वहां वहां मुझे सपोर्ट करेंगे. कौन? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के लीडर्स. नेक्स्ट,
टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, मुझे जहाँ जो टेक्नोलॉजिकल हेल्प चाहिए होगी वो भी प्रोवाइड करेंगे, एंड नेक्स्ट टू डेवलप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट डेवलप करना और कोई भी तरीके से कोई भी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स की ज़रूरत है मुझे तो वो अवेलेबल करवाना, मुझे टेक्नोलॉजिकल नॉलेज से अपडेट करना, ये भी NSIC का काम रहेगा. आगे देखिए, a new scheme of performance and credit rating system of small industry, sorry, credit rating of small business is implemented through NSIC with twin objective. ये कह रहे हैं NSIC ने SSI के लिए credit rating system और performance appraisal की स्कीम इम्प्लीमेंट की. क्रेडिट रेटिंग की इम्पोर्टेंस इनको रियलाइज करवाई कि कितना जरूरी है आपको अपना क्रेडिट रेट स्कोर तैयार करवाना, प्लस उनको ये रियलाइज करवाया कि अगर आप बढ़िया तरीके से वर्क करेंगे तो कैसे आपकी परफॉर्मेंस अगर इम्प्रूव होगी तो आपको मार्केट में फायदा मिलेगा. ये रियलाइज करवाने के उनके दो टारगेट थे. नंबर वन, sensitizing small industries about the need of credit rating. Small industries को पता ही नहीं था credit rating कितना जरूरी है, तो ये उनको बताना चाहते थे कि credit rate score अपना बनाना और उसको बढ़िया रखना कितना ज़्यादा जरूरी है. Second, encouraging the SSI to maintain a good financial track record. उनको encourage करना कि आप अपना financial track बढ़िया रखो ताकि आपका record बढ़िया हो, और आपका record बढ़िया होने की वजह से आपको easily loan मिल जाए. जब भी आपको financial requirement हो तो बहुत easily आपकी financial requirement पूरी हो जाए, इसके लिए उनको encourage करा गया. तो ये आपको ध्यान में रखना है. आगे आ जाइए, NSIC complete हो गया है. क्या main focus था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इम्पोर्टेड मशीनरी और लोकल मशीनरी अवेलेबल करवाना, इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स अवेलेबल करवाना, इनके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना, इनको गाइड करना और इनको टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस देना. ये सिंपल 5 points आप लर्न कर सकते हैं. फिर क्रेडिट रेटिंग की नीड भी इन्होंने रियलाइज करवाई SSI को. अब देखिए DIC, वो नेशनल लेवल पे था, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है. द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स है ना, DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर. DIC प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था ऑन 1 May 1978. कब स्टार्ट हुआ था? 1 May 1978. क्यों स्टार्ट हुआ था? स्मॉल इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उन सभी इंडस्ट्रीज को मदद करने के लिए DIC सेटअप हुआ था. इस प्रोग्राम का टारगेट था जिस भी तरीके का सपोर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को चाहिए वो सब प्रोवाइड करना. बेसिकली उनके बिजनेस को शुरू करवाने से रिलेटेड काम था. तो आप देखिए ये जो थर्ड सेंटेंस है यहाँ से अंडरलाइन करना शुरू कीजिए. These centers, यही वाली बात आगे फिर से रिपीट होगी, देखना. These centers provides all the promotional activities such as identification of suitable scheme. Promotional activities कर रहे हैं, यानी small scale businesses को promote कर रहे हैं. Promote करते time पहला काम क्या किया? Identify किया कि कौन सी suitable scheme है आपको business करने के लिए, कौन सा suitable option available है. Number two, आपकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट रेडी करी. फीजिबिलिटी रिपोर्ट यानी वेदर इट इज पॉसिबल फॉर यू टू मैनेज द बिजनेस और नॉट, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली. और लास्ट में आपके लिए क्रेडिट अरेंज किया, और ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े काम जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने में सपोर्ट कर सकते हैं वो सभी किसने किए? DIC ने किए. ठीक है, आगे देखिए. These centers promote entrepreneur attitudes in rural area. Rural area में entrepreneur attitude promote करने के लिए ये center बने. DIC is the institution at district level which provides all services and support to entrepreneur for setting up small scale business. ये कौन से institute है जो district level पे work कर रही है और वो सारी services और support दे रही है किसी भी entrepreneur को जो उसको छोटे level पे business setup करने के लिए चाहिए होंगे. नेक्स्ट, कैसी सर्विसेज? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल स्कीम, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ऊपर वाली सेम चीजें आ रही है, अरेंजिंग फॉर क्रेडिट एक्सेट्रा. यानी जब भी आपको DIC के फंक्शंस की बात करनी है तो तीन मेन काम है. ये स्कीम्स आइडेंटिफाई करते हैं SSI के लिए, ये उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट रेडी करते हैं, फिजिबिलिटी का मतलब है पॉसिबिलिटी, राइट, और ये उनके लिए फाइनेंस अरेंज करते हैं. Broadly, DICs are trying to bring a change in the attitude of rural entrepreneur. Rural entrepreneur ka mindset badalne ke liye jo organizations hai wo DIC hai.
The DIC is emerging as the focal point for economic and industrial growth at district level. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डीआईसी ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है. हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग रूरल एरिया में ये क्या करवाएगी, एंटरप्राइजेस सेटअप करवाएगी. चलिए ये डीआईसी कंप्लीट हो गया. कितनी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी हमने, 2 ऑर्गेनाइजेशंस. कौन कौन सी? एनएसआईसी एंड डीआईसी. इसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे नाबार्ड, आपने सुना होगा नाबार्ड का नाम, सिडबी, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है. तो ऐसी बहुत सारी है. हमारे सिलेबस में हम सिर्फ 2 को कवर कर रहे हैं जो हमने अभी डिस्कस कर लिए. लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया. रूरल एरिया की इंडस्ट्रीज को कौन कौन से इंसेंटिव्स मिल रहे हैं? तो पहले तो हम ये पढ़ रहे हैं कि इंसेंटिव्स दे क्यों रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट का सिस्टम क्यों इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं. तो देखिए क्या लिखा हुआ है. आफ्टर इंडिपेंडेंस सम एरियाज इन आवर कंट्री आर डेवलपिंग रैपिडली, वेयर एज सम एरियाज रिमेन बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड, बट बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज मस्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. कह रहे हैं कुछ एरियाज बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ एरियाज बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड रह रहे हैं. आपको अपनी इकोनॉमी का बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ अगर करवाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. और बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ क्यों जरूरी है वो यहाँ पे बता रखा है. फर्स्ट, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ऑल एरियाज. अगर हर एरिया डेवलप्ड होगा तभी तो हर एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी लोगों को. नेक्स्ट, अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अगर उन एरियाज में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस खुलेगी तभी तो वहाँ के लोकल रिसोर्सेज डेवलप होंगे. तो टू डेवलप लोकल स्किल्स एंड रिसोर्सेज. एंड नंबर 1, अगर बैकवर्ड एरिया डेवलप होंगे तभी धीरे धीरे माइग्रेशन रुक पाएगा. रूरल एरिया से अर्बन एरिया का माइग्रेशन अगर आपको रोकना है तो भी आपको ये करना पड़ेगा. तो देखिए माइग्रेशन को स्टॉप करने के लिए भी ये जरूरी है, राइट. तो 3 रीजंस की वजह से बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ जरूरी है. यहाँ से बेटा आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, Why balanced regional growth and development is necessary? तो ये necessary है 3 reasons. Reason number 1, to provide employment opportunities in all the areas. And next, to develop the local skills and resources. And the last one, to restrict the migration. अब देखिए ये balanced regional growth government कैसे attain करेगी? क्या करेगी government की balanced regional growth हो? तो इसके लिए government ने बहुत कुछ किया. देखिए क्या लिखा हुआ है. To have a balanced regional growth for and for the development of rural, backward and hilly areas, the government has provided the following incentives. कौन कौन से incentives दिए देखिए जरा. Number 1, ये वो incentive है, वो लालच है जो government दे रही है to different entrepreneurs so that they set up an industry in backward area. Number 1, availability of land in these areas at concessional rate. जो भी backward area है, hilly area है या rural area है, वहां अगर आप business establish करते हैं तो आपको land discounted rate पे मिल जाएगी, concessional rate पे मिल जाएगी. Main market के अलावा अगर आप backward में जाएंगे तो आपको land कुछ सस्ती मिल जाएगी. Second, कहते हैं ना कि अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हो तो पहले आप खुद वो काम करो, तब सामने वाला आपको देख के इंस्पायर होगा. तो सेम गवर्नमेंट चाहती है कि छोटे छोटे बिजनेसमैन वहां बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाए. तो इसके लिए पहले गवर्नमेंट खुद अपने प्रोजेक्ट्स वहां सेट करेगी. गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स को बैकवर्ड एरिया में लोकेट करेगी ताकि प्राइवेट सेक्टर भी उससे एनकरेज होकर बैकवर्ड एरियाज में बिजनेस करना स्टार्ट करे. इसके अलावा गवर्नमेंट बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रियल एस्टेट एस्टैब्लिश करेगी, यानी इंडस्ट्रियल सिस्टम बना देगी. वहां पे इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देगी, बहुत सारे मौके देगी. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सच एज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, पावर एंड सप्लाई. उन एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी. इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी. क्यों डेवलप करेगी? क्योंकि बिजनेस को ग्रो करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी. तो गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी तो धीरे धीरे वो एरिया अपने आप ही डेवलप होने लगेगा. नेक्स्ट, ऑफरिंग टैक्स कंसेशंस टू यूनिट्स लोकेटेड इन बैकवर्ड एरिया. बैकवर्ड एरिया में अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो टैक्स में भी डिस्काउंट. ये देखिए ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे टू स्टार्ट अ बिजनेस इन दैट एरिया. क्योंकि फायदे ही फायदे, लॉटरी पे लॉटरी लग रही है तो लॉटरी पे लॉटरी लगेगी, तब तो सब लोग ही वही बिजनेस करना चाहेंगे. और अगर सब लोग वही बिजनेस करेंगे तो डेफिनेटली वो एरिया भी ग्रो करेगा. नेक्स्ट, फाइनेंस एट कंसेशनल रेट टू इंडस्ट्रीज सेटअप इन दीज एरियाज. अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो एंड यू नीड लोन और फाइनेंशियल हेल्प, तो गवर्नमेंट आपको डिस्काउंटेड रेट पे लोन भी अवेलेबल करवाएगी.
एंड नेक्स्ट गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी टाइम टू टाइम, बहुत सारे बेनिफिट्स देगी, बहुत सारी सब्सिडीज देगी. कुछ सब्सिडीज आपको बता रखी है. नंबर वन ट्रांसपोर्ट सब्सिडी. अगर आप पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, या आपने बैकवर्ड एरिया से मेन मार्केट तक फिनिश्ड गुड लेके आ रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको डिस्काउंट दे देगी. नेक्स्ट, अगर आप फिक्स असेट्स परचेज कर रहे हो बैकवर्ड इंडस्ट्री के लिए, तो भी गवर्नमेंट आपको कुछ डिस्काउंट दिलवा देगी. और अगर आप खुद इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंसेस वहां किसी एरिया में चाहते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंसेस हो जाए, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट आपके एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करवाने में मदद करेगी उस एरिया के स्टेट गवर्नमेंट की. एंड लास्ट वन, स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज हैव बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स भी इनिशिएट किए, जैसे किसी बैकवर्ड एरिया को सेज डिक्लेयर कर दो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दो. जब कोई इकोनॉमिक जोन स्पेशल बना दिया जाता है, तो उस जोन से रिलेटेड सारी पॉलिसीज भी स्पेशल हो जाती है. जैसे घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो तबीयत खराब हो गई तो वो बाकियों के इक्वल नहीं है, राइट? तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है. कब तक मिलता है? जब तक तबीयत सही नहीं हो जाती है. सेम उसी तरीके से कोई एरिया बैकवर्ड रह गया है, यानी वो एरिया डेवलप नहीं हुआ है, बीमार हो गया है वो एरिया, तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दो, वहां के लिए स्पेशल पॉलिसीज अनाउंस करो, जिससे क्या होगा, वो एरिया भी धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा. तो ये वो सारे इंसेंटिव्स है जो गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल है फॉर द इंडस्ट्रीज सेटअप इन बैकवर्ड एरिया. तो ये आपको बढ़िया तरीके से लर्न कर लेना है, ठीक है? बस यहीं तक चैप्टर है. 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, What are the incentives provided by government to SSI? 3 marks में आ सकता है, explain the different types of subsidies offered by government to the industries of rural areas. 3 marks में आ सकता है, why balanced regional growth is important. अभी मैं बोल रही थी is जरूरी, is important, right? तो you have to mention these points, and in 3 marks you can be asked to write a short note on DIC. You can be asked in 4 marks to write about NSIC, about the functions of NSIC, और ये question 5 marks का बनता है. The role of small business in rural India. इसी के साथ हमारा chapter यहीं complete होता है. Next class में हम start करेंगे learning portion. तब तक के लिए have a nice day, enjoy yourself and stay healthy and safe. बाहर बहुत ठंड है, अपना ध्यान रखें.